गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर आज मेवात जिले के पुनहाना विधानसभा के सबसे बड़े गांव सिंगार पहुंचे। सिंगार गांव पहुंचने पर कांग्रेस नेता हाजी साहब खां पटवारी द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सिंगार गांव में उमड़े जन सैलाब को देखकर कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर गदगद नजर आए। उन्होंने हाजी साहब का समेत सभी नेताओं का धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अब मेवात तब्दीली चाहती है, वही उन्होंने आगामी 25 मई को मेवातियों से हाथ के पंजे वाले बटन दबाने तथा मेवातियों से वोट की अपील की। वही उन्होंने कहा कि अब से पहले मेवातियों को नेताओं ने लूटा, इनका किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर मेवात की जनता समेत गुरुग्राम लोकसभा की जनता ने मौका दिया और उन्हें संसद भेजा तो पुरजोर तरीके से विकास के मुद्दों की आवाज़ उठाई जाएगी। वही आपके हक व हकूक की लड़ाई आपका ये राज बब्बर लड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। आज जो है राज बब्बर मेवात के
पुनहाना खंड के गांव सिंगार जो मेवात का सबसे बड़ा गांव है आज पहुंचा है और इतना जन सैलाब वहां देखा गया, उसको लेके आप क्या कहोगे? ये तो जो लोग आए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 घंटे का हमें टाइम मिला था, 12 घंटे में जो राज बब्बर साहब आ रहेंगे और उनका स्वागत करना है, 12 घंटे में इतने कम टाइम में इतने लोग आ गए, बहुत बड़ी बात है। इतनी गर्मी में और सुबह 11 बजे का टाइम था, 11 बजे जाएंगे, 11 से 6 बजे तक लोग डटे रहे। कितनी आपने देखो कितना जन सैलाब था, लोगों को इतना उत्साह था कांग्रेस के प्रति, बहुत लोगों को रुचि है। तो आज के इस कार्यक्रम ने क्या साबित कर दिया सर? इससे ये लगता है कि सारी मेवात राज बब्बर के साथ है, कांग्रेस के साथ है, आने वाला वक्त जो कांग्रेस का होगा, जो लोगों का दिल मानता है। तो और मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? क्या मैं तो यही कहूँगा मतदाताओं से, भाई कांग्रेस को वोट दो और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए और संविधान बचाने के लिए और अपने इलाके की तरक्की के लिए, विकास के लिए कांग्रेस के वोट देने में फ़ायदा है। कांग्रेस के वोट दो, कांग्रेस सरकार आए, कांग्रेस काम करेगी। राज बब्बर ने स्टेज के माध्यम से कहा था कि मेवात का हिस्सा मेवात को मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, तो इसको कैसा देखते हो? राज बब्बर साहब ने सही कहा, अगर मेवात का हिस्सा मेवात को मिलता तो राज बब्बर ये बात नहीं कहते, क्योंकि मेवात का हिस्सा पहले मेवात को मिला नहीं, तो उन्होंने कहा था कि मेवात का हिस्सा आगे मिलेगा, तभी तो उन्होंने कहा था। तो जो राज बब्बर जी, उनको जब लाया गया स्टेज की तरफ, उनको ले जाया जा रहा था, तो मुस्कुरा रहे थे, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, तो क्या लगता है? तो इतनी जनता को देख के नहीं राज बब्बर साहब खुश होंगे और क्या, उसको लग रहा है कि जीत तो मेरी निश्चित है, इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, हमें लग रहा है, हमें भी लग रहा है, जनता को भी लग रहा है, सारी जनता। तो स्टेज के माध्यम से बार बार आपको भी धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे थे, आपको और इरशाद भाई को भी धन्यवाद देते हुए नजर आते कि आपने कम समय में इतना जबरदस्त जो कार्यक्रम किया था उसको देखकर, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? ये तो हमारी तो मेहनत थी, ये लोगों का प्यार था, हमारे गांव का, हमारे आसपास के जो लोग थे उनके हम आभारी हैं, जिंदगी भर तक उनका एहसान मानेंगे, उनके आभारी रहेंगे, उन लोगों का हमसे बहुत पते प्यार है और हमारे दिल में उनके लिए मान सम्मान, तभी तो हमारे लोग आए थे। 12 घंटे के अंदर लोग आए और इतने 11 बजे से 6 बजे तक रहे, इतनी सर्द गर्मी में जो है ठीक है। हाँ।